ये देखिए दोबारा पूरा पूरा लिबास में आकर रखा हुआ है, देखते जाए। ऐसी वीडियो आप किसी ने भी कभी भी नहीं दिखाई होगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शॉप के अंदर देखें आप, इतनी बड़ी शॉप है। लोडेड है बहुत अच्छी शॉप। ये सोने का प्रेस देखें, और जो मैं आपको अब एक चीज़ दिखाने लगा वो आप ना रह जाएंगे। ये देखो इन लोगों ने बनाया भी सोने का बना दिया, और ये देखिए आप ये पूरा पूरा सूट की फ्रंट साइड जो सोने की बनी हुई है, और उसके ऊपर सोने के बिस्किट भी लगे हुए हैं छोटे छोटे। ये दुकान का नाम है अल रोमीज़ा, ये दुकान का नाम है। देखिए साइड इन्होंने तो ब्रेजियर भी सोने का बना दिया, पाकिस्तान तो सफर भी है ऐसा। हाँ जी ना, वही तो मैं क्लिप में बता रहा हूँ, हमारे मुल्क में सुनहरा थोड़ा सा सोना लगा रखा होता है तो उनका दिमाग रात में आसमान पे होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक केजी में काम करते हैं, इधर तो किलो चलो मनों के हिसाब से, मनों के हिसाब से सोना पड़ा हुआ है। बड़ा भी ओपन है, बड़ा भी ओपन हुआ है। ये चार तरफ मार्केट जा रही है, कितनी बड़ी मार्केट है ना जी। ये भी गोल्ड मार्केट है, थोड़ा सा आगे आओ वो नुक्कड़ की दुकान तक। कंस के बहुत ज़्यादा नाजी, ये देखो कितने कितने बड़े सेट और कितने कितने बड़े लॉकेट वगैरह सोने के पड़े हुए हैं। देखो ये देखने आदमी सोने का ताज पड़ा हुआ है, खैर भाई इधर से वापसी करते हैं फिर। ये इधर डायमंड का सेक्शन है, डायमंड और कीमती पत्थर वगैरह का। देखते जाए ना आप लोग कैसा अमीर मुल्क का ये कितना सोना है, लोगों के पास दुकानदारों के पास कितना सोना है, तो हुकूमत के पास कितना होगा। अगर मेरे ख्याल से सारे दुकानदारों को सोना पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा कर्जा उतर जाएगा।
ओके नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।